यूक्रेन में फंसे भारतीय जल्द देश लौटेंगे। शाम 4 बजे मुंबई पहुंचेगा भारतीय विमान। रोमानिया के रास्ते एयर इंडिया की फ्लाइट पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। यूक्रेन से लौटे यात्रियों का स्वागत पीयूष गोयल करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रोमानिया के रास्ते पहुंचेंगे एयर इंडिया की फ्लाइट और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, यूक्रेन से यात्रियों का स्वागत करेंगे पीयूष गोयल। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, यूक्रेन में फंसे भारतीय जल्द देश लौटेंगे। शाम 4 बजे मुंबई पहुंचेगा भारतीय विमान। बड़ी खबर, अहम जानकारी, रोमानिया के रास्ते पहुंचेगी एयर इंडिया की फ्लाइट। इस वक्त की बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और रूस से यूक्रेन से वापस लौटे भारतीयों का स्वागत वे करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहला जत्था जो है वो भारत के लिए रवाना हुआ था। और ये तस्वीरें भारतीयों की, जहां पर पहला जत्था बस में सवार होकर फ्लाइट तक पहुंचने के लिए ये तमाम भारतीय जो है वो निकल रहे हैं। उनके चेहरों पर खुशी की झलक जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। मेरा नाम सुषम है, मैं हरियाणा से हूँ। मैं यूक्रेन में पढ़ती हूँ थर्ड ईयर में, बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और जैसे ही हमें पता चला कि की पे अटैक हो गया है, नेक्स्ट डे ही हमें पहली मतलब सुबह सुबह ही इवैक्यूएट कर लिया गया, थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, रोमानिया में, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, जिस यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू हम आए हैं, एमडी हाउस उनके कंसल्टेंट का, थैंक यू सो मच। से मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जब से ये सिचुएशन का हमें पता चला है, हमारी एम्बेसी और हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली हमारे टच में है और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। और आज भी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी थी, चंडीगढ़ से निकलने तक और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग को वीसा और इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस उन लोगों ने करके दिया है। हमें फूड और वाटर और सब प्रोवाइड किया गया है और बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया गया है। और यहाँ आने के बाद तुरंत ही हमें एम्बेसी कलेक्ट करने आ गई थी और उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से यहाँ तक लाए हैं। तो थैंक्स टू अवर एम्बेसी एंड अवर गवर्नमेंट एंड अवर Everybody knows the current situation in Ukraine. We and our parents were very scared about our safety in Ukraine. In the Indian Embassy in Ukraine and the Indian Embassy in Romania have helped us to come to evacuate us from the current situation and to move us back to our homeland India safely. The moment we have arrived in Bucharest, the Indian Embassy of Romania is with us from that point till now, and they are taking care of everything that we don't face any difficulty in this whole traveling. And we are very grateful to each and every one who is a part of this evacuation. And we are glad that we are safe, and our parents are relieved that we are coming back home. Thank you so much.